स्टूडेंट्स, आई एम दीपक, योर साइंस टीचर। एज यू नो कि हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने टॉपिक जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो फॉर ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो किसी बॉडी की, जब कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसकी जो वेरिएशन है वेलोसिटी की टाइम के साथ, वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम, मैं आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें, तो उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ना तो डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे पास हाइट होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो सेम रहती है हर एक टाइम के लिए। जैसे मैं आपको ग्राफ जो है वो दिखाऊंगा, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या है कि जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने किसको लिया है? टाइम को लिया है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने किसको लिया है? वेलोसिटी को लिया है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो टॉप इसमें है टॉपिक है, जिस चीज़ को हमें इसमें ध्यान से देखना है, वो क्या है कि देखिए, जब टाइम T1 था, ठीक है, ये आपका जो T1 की इधर वैल्यू दी है, जब टाइम हमारे पास T1 था, उस केस में वेलोसिटी, अगर इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको मैं बोल देता हूँ वी है, तो टाइम T1 के ऊपर भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? वी। और जब टाइम T2 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? वी। वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस जो इस केस में ग्राफ बनेगा, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जैसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो आपको कुछ ग्राफ्स दिए होंगे, इस तरह से ग्राफ दिया होगा, इस तरह से, इसको बोल देंगे ए ऑप्शन, इसको वी ऑप्शन बता देगा। तो सी ऑप्शन में जो ग्राफ आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, या पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, उसको वाले ग्राफ को हम लोग कौन सा बोलते हैं? आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस केस में जो बी और डी है, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब कैसे करते हैं वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस ग्राफ को जो है वो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि एक ग्राफ जो है उसको बना लेंगे। तो ये अभी ग्राफ हम लोगों ने देखा कि ग्राफ कैसा था, इस तरह से था, ठीक है। इसके जो था ये टाइम एक्सिस थी, इसको मैं टी से कर देता हूँ, ये वेलोसिटी के लिए था, इसको मैं वी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास जो था इस तरह से पॉइंट था, ये था ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। ए के लॉन्ग जो टाइम था वो T1 था, और सी के लॉन्ग जो टाइम था वो क्या था आपका? T2। ओरिजिन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ। तो देखिए इसमें एट एनी टाइम, ठीक है, जो ओ ए है तो उसकी वैल्यू कितनी है? T1 है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी वी की अगर हम लोग वैल्यू देखें, ठीक है, तो आपकी वो किसके बराबर है? एफ बी की, ठीक है। तो जो मैंने पिछली सिचुएशन में, पिछली कंडीशन में आपको बताया, तो एफ बी किसके बराबर है? वी के बराबर है, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट ऑफ टाइम जो है, जिसको हम टी टू बोल रहे हैं, वो किसके बराबर है? ओ से सी तक, तो वो किसके बराबर मैंने लिखा? टी टू के, वो भी हमने लिखा हुआ है। और जो हमारे पास सी डी है वो किसके बराबर है? एफ बी के, तो वो किसके बराबर होगा आपका? बी के बराबर ही होगा, ठीक है। अब हम इसको देखें तो ये जो पोर्शन है बीच में, ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको मैं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फार्मूला पता है, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इस केस में जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास? ए बी है, और ब्रेथ क्या है? ए सी। तो इस केस में जो हमारे पास फार्मूला होगा वो क्या रहेगा? ए बी इंटू ए सी। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स।
अब इधर से जो है हम लोग एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फिगर में देखिए तो एसी किसके इक्वल होगा, ये देखिए ये आ गया एसी, ये आ गया ओए, ठीक है सॉरी ओसी, और ये जो वैल्यू है लास्ट में आपको दिखाऊंगा ये किसके आ गई हमारे पास ओ ए की। तो देखिए एसी किसके बराबर होगा हमारे पास ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है फिगर से देख रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो गया देखिए ओ सी माइनस ओ ए। इसके साथ ही देखिए अभी आपको बताया कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आप लोगों को अभी मैंने बताई उसकी वैल्यू, वो है हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वो देखिए अब ये इसमें सब्सिट्यूट करेंगे, ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है बी, ए सी की जगह आप क्या लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी की क्या वैल्यू है हमारे पास आपको पता है टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एरिया निकलेगा इस रेक्टेंगल का वो क्या होगा वी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन। आई होप यू अंडरस्टैंड, इधर तक तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको इधर मैंने निकाल के दिखाया हुआ है किस तरह से आपका है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ओ सी माइनस ओ ए, तो ये किसके बराबर होगा वी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप लोग क्या कर दोगे, इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोगों को एक और मैं टर्म बताता हूँ, आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इधर से जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस वेलोसिटी इनटू टाइम को मैं क्या बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा उस एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, देयर फोर वी कंक्लूड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये चीज अब आपका एक मैंने प्रूफ करके बता दी, अब ये याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोगों का कोई भी कंडीशन जब भी होगी उसमें डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे अगर आप लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है इस तरह से है, अब ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं होगा, ठीक है ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए ग्राफ होता है, याद रखना इतना सा। तो इस केस में ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, ए से बी तक पॉइंट का जो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आ गया इस तरह से, एरिया जो है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कितना है, तो ये वाला एरिया है, इसको हम लोग अगर कैलकुलेट कर देंगे ये एरिया तो हमारे पास क्या निकल जाएगा ए बी निकल जाएगा, और क्यों हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के बेस्ड के ऊपर हम लोग जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको प्रूव करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।